तो भाई पहले तो मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। एंड आई थॉट के हम इस पेंडेमिक में, इस सिचुएशन में सब घरों पे हैं और कहीं बाहर नहीं जा सकते, कुछ भी कर नहीं सकते। सो आई थॉट के व्हाई नॉट हम लाइव जाएं और बातें करें आपसे। आपकी ईद कैसी गुजरी, क्या किया घर पे, कहाँ गए, जा तो कहीं सकते नहीं, घर पे क्या किया, क्या खाया, किसको कितनी ईदी मिली। So let's talk about Eid today. मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सब कैसे हैं? Okay, पहले तो हम question answers बाद में करेंगे। पहले you know I wanted to say something which is पता नहीं। Okay, so अभी जो situation है, जो पूरे पाकिस्तान में, पूरी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में जो कोरोना की सिचुएशन चल रही है, हम लोग जितना भी एहतियात कर रहे हैं उसके बावजूद ये हाल है कि रोज़ इतने लोग मर रहे हैं, रोज़ इतने लोग बीमार हो रहे हैं कोरोना की वजह से। सो पहले तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ प्लीज़ अपने घरों पर रहें। आई नो ईद है और ईद पे हम सब बहुत एक्साइटेड होते हैं, हम सब बाहर जाना चाहते हैं, हम सब खाना खाना चाहते हैं, बहुत मज़े की अपने प्यारों से मिलना चाहते हैं, सबको देखना चाहते हैं। बट मैं ये कह रही हूँ कि हम उन्हें बाद में भी देख सकते हैं अगर वो और हम सेहतयाब रहें। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि हम अपने आप को इस चीज़ से बचा के रखें। और वो बचा कैसे सकते हैं, हम घर पे रह के खुद को बचा सकते हैं, अपने प्यारों को बचा सकते हैं, ईद पे ना मिल के बचा सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं घर पे हूँ और आई एम नॉट गोइंग आउट, और जितने भी फ्रेंड्स हैं सबसे इसी तरह वीडियो कॉल पे बात की है, सबको इसी तरह प्यार भेजा है। सो ये है कि आप लोग भी घर पे रहें और अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। ये मुश्किल वक्त है, कुछ ही वक्त में चला जाएगा। और बस अब हम थोड़ा सा लाइट मूड की तरफ आते हैं, कुछ अच्छी बातें करते हैं, डिप्रेसिंग बातें नहीं करेंगे। और सो भाई ईद पे क्या क्या किया, कौन कहाँ कहाँ गया? हम तो घर पे ही तैयार होके बैठे हैं, कहीं जा नहीं सकते। इवन दो ये मेहंदी मैंने कल लगाई, ईद के सेकेंड डे, फर्स्ट डे लगा नहीं पाई थी क्योंकि घर पे भाभी से लगवाई है, सो बिजी थी, सो मैंने ये कल लगाई है। ओके, ईद मुबारक। थैंक यू सदाफ। सदाफ आप खुद इतनी प्यारी हैं, माशाल्लाह। सदाफ कमल जी, थैंक यू सो मच। और ड्रामे का आई डोंट नो कि अभी एपिसोड ऑन एयर क्यों नहीं हो रहा है, मे बी रमज़ान में जो शो चल रहा था जी तो पाकिस्तान, उसकी वजह से, और हाँ शायद उसी की वजह से। बट आई आस्क टू माई टीम, फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी कि ड्रामे का नेक्स्ट एपिसोड कब आएगा। अच्छा जी, इन्ना सोना तेनू रब ने। सो माई पंजाबी इज रियली नॉट गुड। एम डी आदिल नसीम जी, ले लिया मैंने आपका नाम। खैर मुबारक, आप सबको भी ईद मुबारक। तो भाई हम तो घर में सो के उठे सुबह ईद की नमाज पढ़ने के बाद, फिर घर पे खाने बनाए, फिर वो खाए, फैमिली को बहुत सारा टाइम दिया, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर, हमारी जो लाइफ है, हम लोग यू नो बाहर होते हैं, शूट पे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो फैमिली को ये सारी चीज़ें हम लोग इतना टाइम दे नहीं पाते। सो ईद पे आई थॉट कि जितना टाइम हो सकेगा मैं अपनी फैमिली को टाइम दूंगी। वैसे भी अभी लॉकडाउन भी है, अब बाहर नहीं जा सकते, कुछ कर भी नहीं सकते, सो फैमिली के साथ मूवीज़ देखी, खाना खाया, सो ये किया। सरदार उस्मान बीवी, ओके, ईद मुबारक, ईद मुबारक।
थैंक यू सो मच, आप सब भी बहुत प्यारे हैं, बहुत खूबसूरत हैं. आई लव्ड योर ड्रामा नूर, रियली. एक्चुअली मैं नूर को इतना फॉलो अप नहीं कर रही बिकॉज रमज़ान की वजह से वैसे भी मैं थोड़ा सा देख नहीं रही थी चीज़ों को. बट यस, नूर बहुत अच्छा जा रहा है और मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं नूर के बारे में. और मैं उसामा के साथ, अपनी टीम के साथ बहुत जल्द पिक्चर्स भी शेयर करूँगी. हमारा ऐसे ओके. सो आई एम ओरिजिनली फ्रॉम कश्मीर, लाइक इंटीरियर सिंध. मेरे जो पापा हैं वो वहाँ से हैं, तो मैं भी वहीं से हूँ, कश्मीर से, इंटीरियर सिंध. सो नॉट कश्मीर, इट्स कश्मीर. सो इट्स यू नो इंटीरियर सिंध में है. जब भी मैं बोलती हूँ कि मैं कश्मीर से हूँ तो लोगों को लगता है कि मैंने कश्मीर कहा है. नहीं, कश्मीर नहीं है, कश्मीर है. शरीफा खत्री, ईद मुबारक. महम मलिक, मैं आप सबका नाम नहीं ले सकती हूँ क्योंकि वो इतनी सारी नोटिफिकेशंस आ रही हैं, वो एक साथ बहुत सारे आ रही हैं और वो जाती जा रही हैं. बट आई लव यू ऑल एंड यू सो प्रिटी, थैंक यू. हाँ, ख्वाब नगर की शहजादी, आई टोल्ड यू के वो एक्चुअली मुझे मेरी टीम से भी, क्योंकि रमज़ान था तो इस वजह से मैं ज़्यादा वो नहीं थी, किससे पूछा नहीं मैंने. और मुझे पता भी नहीं है कि 41 एपिसोड उसका क्यों नहीं चला है. लेकिन अब ईद के बाद ऑब्वियसली मैं पूछूंगी कि 41 एपिसोड कब चलेगा, तो मैं अपने इंस्टाग्राम पे मेंशन कर दूंगी कि आज वो एपिसोड आ रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं. ओके, सो मैं अभी बस मेरा नाम नो इशू, ओके, आई डोंट नो, बट ये नाम है उनका, नो इशू, ओके, ले लिया मैंने आपका नाम, थैंक यू सो मच. व्हाट्स रॉन्ग विद योर थ्रोट? नथिंग, जस्ट मेरी आवाज़ ही ऐसी है, मेरी आवाज़ थोड़ी हस्की है, सो ऐसी ही होती है, लाइक यू नो, तो ये ऐसी ही रहती है ड्रामा में भी, वैसे भी मेरी आवाज़ है हस्की थोड़ी सी. आई डोंट नो, जब भी ऊंचा थोड़ा सा बोलती हूँ या कुछ होता है तो वो बिल्कुल ही बंद हो जाता है गला. बट या कुछ कर नहीं सकते. वारिस, हेलो 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 हेलो. ओके, बहुत सारा हेलो हो गया. ओके, अब जाने से पहले आप लोगों से वही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ अपने घर पे रहें. हेयर केयर टिप्स, ओके, सो यू गाइज हैव बीन आस्किंग सिंस सो लॉन्ग के मैं अपने बालों के साथ क्या करती हूँ. मैं बालों पे कुछ नहीं करती, मुझे बालों को यू नो नेचुरली बस रखना अच्छा लगता है. ज़्यादा हेयर वो नहीं ट्रीटमेंट, ज़्यादा हीट ट्रीटमेंट नहीं करवाती. बाकी हेयर ट्रीटमेंट मैं करवाती रहती हूँ, प्रोटीन ये वो, बाकी घर की जो चीज़ें होती हैं वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं. लाइक बाहर की चीज़ों से ज़्यादा मुझे लगता है हमारे घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम अपनी स्किन के लिए, अपने हेयर के लिए हमें अच्छा कर सकती हैं. तो घर पर मैं योगर्ट और एग मिक्स करके बालों पर लगाती हूँ. लाइक शावर लेने से हाफ आवर, वन आवर बिफोर वो मैं लगा लेती हूँ, उसको अच्छी तरह से खुद ही लगा लेती हूँ, फिर उसके बाद ड्राई कर देती हूँ थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद मैं शावर ले लेती हूँ. सो ये एक मैं करती हूँ वंस इन अ वीक. और ऑयलिंग मस्ट है, आप ऑयलिंग ज़रूर करें अपने हेयर की. ट्रिमिंग मस्ट है, आफ्टर एवरी 2 or 3 months आपको ट्रिमिंग करवानी चाहिए, आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है. हेयर कलर मैं नहीं करती, इसीलिए मेरे बालों में एक दो सफ़ेद बाल भी हैं. तो हेयर कलर नहीं करती, लेकिन आई एम थिंकिंग कि मुझे थोड़ा सा चेंज कर लेना चाहिए, हेयर कलर करना चाहिए, बट डर लगता है, बाल बहुत डैमेज होते हैं. सो लेट्स सी. ओके, तो आखिर में टेल मी, कोमल मीर, कोमल मीर इज सच अ प्रिटी सोल. वो इतनी पॉजिटिव हैं, इतनी अच्छी हैं कि बस उनके साथ काम करके आपको बहुत मज़ा आता है. सो वो जैसे वो इंस्टाग्राम पे और सारी चीज़ों में नज़र आती हैं, वो रियल लाइफ में भी वैसी हैं. चबी चबी नहीं, बबली, यू नो, बहुत बहुत बच्चों वाला दिल है उनके पास, साफ.
और बहुत खुश रहती हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनको खुश रखे। अच्छा जी, जिलाशाही बलोच हैं हम, थैंक यू। ओके जी, हाँ दिस ड्रेस इज फ्रॉम ज़ारा शाहजहाँ एंड ये लास्ट मिनट की, और आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, ये आई थिंक कोई पहले लेके रखा हुआ था एंड मैंने निकाल के पहन लिया क्योंकि शॉपिंग करने का टाइम नहीं मिला, ईद पे लॉकडाउन था और सारी चीज़ें बंद थी, सो ये पड़ा हुआ था, मैंने कहा आज पहन लूँ। अच्छा जी, तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि भाई आप लोग अपने घरों में रहें, सेफ रहें, ईद है, आई नो ईद पे है, सबका दिल करता है हम जाएँ, अपने दोस्तों से मिलें, अपने फ्रेंड्स से मिलें, रिलेटिव से मिलें, ईद की खुशियाँ बांटें, अच्छे अच्छे खाने खाएँ, लेकिन हम इस सिचुएशन में बाहर नहीं निकल सकते, हम जितना घर पे रहेंगे हमारे और आपके लिए उतना ही अच्छा है, क्योंकि यू नो इस चीज़ को ये ना मेरे कंट्रोल में है ना आपके कंट्रोल में है। जो वैक्सीन लोग करवा रहे हैं वो भी अभी हो रही है लेकिन उस तरह से प्रॉपर अभी हो नहीं रही है, तो आई थिंक कि अभी ज़्यादा ज़रूरी यही है कि अगर बहुत कोई ज़रूरी आपका काम नहीं है तो आप घर पे रहें और सेफ रहें, और घर पे आप लोग जितना चिल कर सकते हैं इंजॉय कर सकते हैं करें। मैं तो नेटफ्लिक्स देख रही हूँ, मैं बहुत सारे खाने खा रही हूँ, आई एम टेकिंग केयर, यू नो टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ, अपने बालों का, अपनी स्किन का बहुत ख्याल रख रही हूँ, तो आप लोग भी यही कीजिए। ओके, आवाज़ को क्या बताया है, आवाज़ ऐसी ही है, आवाज़ को कुआ कुछ नहीं है, आवाज़ है ही ऐसी। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए और कोशिश कीजिए कि आपके जो भी लोग हैं किसी का दिल ना दुखे, किसी से कोई ऐसी बात मत करें कि कोई हर्ट हो, अगर आप किसी बात से हर्ट हो रहे हैं तो आई थिंक उसका आपको बदला या वो लेने की ज़रूरत नहीं कि वो किसी ने मुझे हर्ट किया तो मैं भी उसको रिटर्न हर्ट करूँ कि ताकि इनको पता चले, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक वो चीज़ें देखने के लिए अल्लाह ताला हैं, वो देख रहे हैं, और अच्छे का सिला भी अल्लाह पाक देता है और बुरे का सिला भी अल्लाह पाक देता है, तो बस अपना ख्याल रखें। और फिर जी, मैं बिल्कुल फ्री थी इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आज लाइव आके आप लोगों से बात करूँ, बिकॉज मैं बहुत कम लाइव आती हूँ। अपना ख्याल रखें और फिर बात होगी इंशाल्लाह। बिल्कुल दिल नहीं कर रहा रखने का, लेकिन ठीक है, आज के लिए इतनी बात काफ़ी है, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। थैंक यू सो मच, यू ऑल आर ब्यूटिफुल, यू ऑल आर प्रिटी, आई मीन ओके गाइस, ईद मुबारक वंस अगेन, अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें और अपने घर में रहें। थैंक यू सो मच, आई लव यू, खुदा हाफिज। ओके, इसको बंद कहाँ से करते हैं, दिस इज़ द क्वेश्चन, वहाँ से, ओके बाय।